नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज है, आइए डालते हैं उस पर एक नजर। वैसे तो जर्मनी में कई विश्व स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ विदेशी विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहते हैं, लेकिन इनमें से भी जो अग्रणीय है उनमें प्रमुख है हिडेलबर्ग यूनिवर्सिटी। यह विश्वविख्यात पब्लिक रिसर्च विश्वविद्यालय जर्मनी के हिडेलबर्ग में स्थित है। यह जर्मनी का सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालय है और ऐसा माना जाता है कि यह महान रोमन साम्राज्य द्वारा स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों में से तीसरे स्थान पर है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना आज के दिन 1386 की गई थी। हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय को कोएजुकेशन देने वाली विश्व की प्राचीन संस्थाओं में शामिल है। महिलाओं को शिक्षा देने के महत्व को समझते हुए इस यूनिवर्सिटी में यह कार्य सन 1899 में शुरू किया गया था। आज यह यूनिवर्सिटी कई विषयों से संबंधित शाखाओं में अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एवं डॉक्टरेट लेवल के कोर्स को संचालित कर रही है। यह ख्याति प्राप्त जर्मन यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटीज सहित कई ग्रुपों की सदस्य भी है। अपनी अभिनय क्षमता से किसी भी किरदार को पर्दे पर जीवंत करने में सक्षम अभिनेता ओम पुरी हिंदी फिल्मों के उन प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे जो भारतीय सिनेमा के एक कालजयी अभिनेता थे। उनके अभिनय का हर अंदाज दर्शकों को प्रभावित करता रहा है। आज ही के दिन 1950 में उनका जन्म हुआ था। ओम पुरी हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता है। इन्होंने ब्रिटिश तथा अमेरिकी सिनेमा में भी योगदान किया है। ये पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी है, जो कि भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में चौथा पुरस्कार है। इनका जन्म आज के दिन यानी 18 अक्टूबर 1950 में हरियाणा के अम्बाला नगर में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ननिहाल पंजाब के पटियाला से पूरी की। 1976 में पुणे फिल्म संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ओम पुरी ने लगभग 1.5 वर्ष तक एक स्टूडियो में अभिनय की शिक्षा दी। बाद में ओम पुरी ने अपने निजी थिएटर ग्रुप मस्मा की स्थापना की। ओम पुरी की शादी नंदिता पुरी के साथ हुई है। ओम पुरी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत मराठी नाटक पर आधारित फिल्म घासीराम कोतवाल के साथ की। वर्ष 1980 में रिलीज फिल्म आक्रोश ओम पुरी के सीने करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। ओम पुरी ने अपने हिंदी सिनेमा के करियर में कई सफल फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय का परिचय दिया है। एक बिना फिल्मी परिवार से होने के कारण उन्हें हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाने के लिए काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने बेहतरीन अभिनय के चलते कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, अन्य क्रांतिकारियों के साथ ही रहे वयोवृद्ध स्वर्गीय रामकृष्ण खन्नी की निधन आज ही के दिन यानी 18 अक्टूबर 1996 को हुआ था। रामकृष्ण खत्री का जन्म 3 मार्च 1902 को ब्रिटिश राज में वर्तमान महाराष्ट्र के जिला बुल्ढाणा बरार के चिकली गांव में हुआ। उनके पिता का नाम शिवलाल चोपड़ा व मां का नाम कृष्णाबाई था। छात्र जीवन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की व्याख्यान से प्रभावित होकर उन्होंने साधु समाज को संगठित करने का संकल्प किया और उदासीन मंडल के नाम से संस्था बना ली। इस संस्था में उन्हें महंत गोविंद प्रकाश के नाम से लोग जानते थे। क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर उन्होंने स्वेच्छा से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संगठन का दायित्व स्वीकार किया। मराठी भाषा की अच्छी जानकार होने के नाते रामप्रसाद बिस्मिल ने उन्हें संयुक्त प्रांत से हटाकर सेंट्रल प्रोविंस भेज दिया। व्यवस्था के अनुसार उन्हें संघ का विस्तारक बनाया गया था। खत्री ने शहीदों की छाया में शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी थी, जो नागपुर से प्रकाशित हुई थी। स्वतंत्र भारत में उन्होंने भारत सरकार से मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की सहायता के लिए कई योजना भी बनवाई। काकोरी कांड की अर्धशती पूर्ण होने पर उन्होंने काकोरी शहीद स्मृति के नाम से एक ग्रंथ भी प्रकाशित किया था। लखनऊ से 20 मील दूर स्थित काकोरी शहीद स्मारक के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 18 अक्टूबर 1996 को 94 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।